प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज से मैं अपने चैनल में नए टाइप का कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। उस नए टाइप के कंटेंट में आपको बहुत सी चीज़ें जो दुनिया में चल रही हैं वीडियो देखने को मिलेगा। साथ ही उन सब वीडियो से हम कुछ सीखेंगे कि संसार क्या है, कहाँ पर क्या कर रहा है संसार, और बाइबल क्या सिखाता है। उन सब चीज़ों को आपस में मैच करेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे उन सब वीडियो से। और आज की वीडियो में आपको बहुत सा मिक्स कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत से फनी बाबा भी देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं एक नए बाबा से जो मार्केट में नए नए आए हैं। उन बाबा का नाम है पंखे वाले बाबा। Hey, y'all, come look at this. Oh no! मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है? जरा एक मिनट, क्या सच में उस पंखे वाले बाबा ने आशीर्वाद के रूप में पंखे का मैल अपने भक्तों के सर पे लगाया? अगर सच में यार ये आशीर्वाद है ना, तो मेरे घर में आ जाओ, मैं भी ये कर सकता हूँ। आप लोगों को इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है। काफी दिन हो गया है, पंखा बहुत गंदा हो गया है, इसे साफ करना है। कपड़ा वपड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरे भक्त आ रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही नकारे हैं सब। तो मैं ये 100% श्योर हूँ, आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी फ़ैन को रोकने की कोशिश, या फिर फ़ैन ज़रूर रोका होगा इस तरीके से। मैं तो बहुत करता था, यहाँ तक कि स्कूलों में भी हम करते थे ऐसा। तो अगर ये चमत्कार है ना, तो भारत का हर बच्चा चमत्कारी है, क्योंकि आप लोगों में से बहुतों ने ये सब किया होगा। और लड़कों ने तो ज़रूर किया है, 100% लड़कों ने ज़रूर किया है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने ये सब किया है कि नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब बाबा लोग अपने सर पे ही फैन लटका के घूमते रहेंगे। एक मिनट, ओह नो, ये पूरे दिन ऐसे ही चलता है धूप से? पीछे सोलर प्लेट भी लगा रखी है आपने? हाँ, ओह नो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे बाबा जी, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक लगभग जाएगी। क्या कर रहे हो, फैन निकालो अपने सर से। अरे कट जाएगा यार सर। क्या भारत में जमीन की इतनी कमी है कि जो बाबा लोग हैं वो फैन जमीन में न रख के अपने सर पे लेके घूम रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो दिन भी दूर नहीं जब लोग खेती जमीन में नहीं अपने सर पे करने लगेंगे, स्पेशली ये बाबा लोग। परिचित करवा रहा हूँ, और आज हमारे साथ एक और साधु है जो हट तपस्या कर रहे हैं, और इनके सर पे देखिए जौ के कुछ पौधे हैं, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल पौधे हैं। इनके सर में कोई मिट्टी नहीं है। मैं बोलता ही क्यों, सिर्फ बालों में ही इसे उगाएंगे पानी की मदद से। समय हो गया है, पानी का समय हो चुका है। ये देखे दोस्तों, बाबा जी को देखकर शायरी उमड़ रहा है मेरे अंदर से। बोलो मारू क्या शायरी? लेकिन आप लोगों को वाह वाह बोलना पड़ेगा भाई, सच में आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, चलो शुरू करता हूँ। ना किसी के जमीन पे, ना किसी के घर पे। अरे बाबा तो बोलो यार। ना किसी के जमीन पे, ना किसी के घर पे। बाबा जी खेती करते हैं तो केवल अपने सर पे। वाह 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 वाह। जस्ट एक बार जस्ट इमेजिन करो कि बाबा जी सोए हैं और बकरी खा रही है उनका वो घास जो भी है। कितना फनी होगा ना वो सीन।
और अभी मैं आप लोगों को ऐसे बाबा से मिलाने वाला हूँ जो बाबा कम छोटा भीम का कालिया ज्यादा लगता है। कौन बनाया सेकुलर? सेकुलर अभी बना है। सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रतीक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं। कहीं भी यीशु के चित्र नहीं है, कहीं भी बौद्ध के चित्र नहीं है। इसलिए यह हिंदुओं का संविधान था। भारत का स्टेट रिलीजन हिंदू है। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। मैं किसी की मस्जिद में नहीं जाता तो कोई हमारे मंदिर में नहीं आए, इसलिए उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है। गैर हिंदुओं का प्रवेश उसमें वर्जित रहेगा। हमने पुरोला से शुरू किया है, अब हम पूरे हिमालय को देवालय बनाएंगे। किसी एक भी गैर हिंदू, जब मैं बोलता हूं तो उसमें बौद्ध भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं और उसमें ये भी मुसलमान भी आते हैं, मैं तीनों लोगों को रहने नहीं देंगे। हम लोग हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अबे छोटा भीम के कालिए, तू जो बोल रहा है उत्तराखंड धर्म भूमि है, केवल हिंदू रहेगा, अबे मेरे भाई तू दिमाग से पैदल है क्या? हाँ कालिया, छोटा भीम का कालिया लगता नहीं सिम। तो अभी एक बात सुन मेरे भाई, उत्तराखंड हर एक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन है तो सबका ना भाई। तू कैसे बोल सकता है कि खाली हिंदू का है, हिंदू का है, हम किसी को घुसने नहीं देंगे? तू कैसे बोल सकता है कालिए? और तू जिस उत्तराखंड की तारीफ कर रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, करो तारीफ, जहाँ जहाँ के हो तुम उसकी तारीफ करना चाहिए उस जगह का। लेकिन तू क्या बोल रहा है कि ये धर्म भूमि है, हमारा मंदिर है उत्तराखंड, हमारा मंदिर है उत्तराखंड। अच्छा बेटा, उत्तराखंड मंदिर है वो बात अच्छी बात है, लेकिन उसी मंदिर में तू जो ये दो दो स्त्री के साथ कांड कर रहा है, तब मंदिर नहीं है? आप लोगों को विश्वास नहीं है, देखो इसके कांड। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड हिमालय हमारा देवालय है, हमारा मंदिर है। उत्तराखंड देवभूमि है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहाँ पर लोगों को एक नहीं मिल रहा है, बीबी। लेकिन ये बाबा जी बीबी भी नहीं है इसका, दो दो गर्लफ्रेंड, दो दो के साथ सो रहा है बाबा। यहाँ लोगों को एक बीबी नहीं मिल रही। हाँ बाबा जी, अच्छा बेटा, अगर तुम सच में उत्तराखंड को मंदिर मानते ना, तो ऐसे कांड उत्तराखंड में तुम नहीं करते। ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हम सबको ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, ज़्यादा तुम धर्मी मत बनो। दो दो बाप रे। और अब आप लोगों से मैं मिलाने वाला हूँ क्रिश्चियन बाबा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्रिश्चियन में भी बाबा होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए बेसिकली जो बाबा होता है उनके काम क्या होते हैं, लोग अपने दुख और तकलीफ़ें बाबाओं के पास लेके जाते हैं। बाबा क्या करते हैं, उनके दुख और तकलीफ़ के लिए दुआ करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं। बिल्कुल सेम केस आज क्रिश्चियनिटी में चल रहा है, ये सब हो रहा है। चलिए देखिए क्रिश्चियन बाबा को। यू विल बी ब्लेस्ड पीपल इन द क्रिश्चियन रिलीजन। तक्षी द सकारा बाबा सा, इट्स द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सी के रे बेबे से रे। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग मुझे कहेंगे अभी, मसीह के मसीह का बदनामी करता है। तो आप देखो, आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, ये लोग मसीह नहीं है। जो ये पास्टर चिन्ह चमत्कार, ये सब कैरिज्मेटिक जो पास्टर्स लोग हैं, जो होते हैं, वो
प्रभु के नहीं होते। अब तुम्हें कैसे पता, कुछ लोग बोल सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये लोग सिखाते क्या है, इनकी शिक्षा क्या होती है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा और तुम क्या होगे, तुम्हारी सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल झूठ है। यीशु मसीह में आने के बाद में कभी भी आपकी समस्या ख़त्म नहीं होगी, सांसारिक समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि लोग आपसे नफरत करेंगे, यहाँ तक कि आपके घर वाले आपको घर से भी निकाल देंगे, आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। बाइबल ये सिखाता है, यीशु मसीह ये सिखाता है, लेकिन ये लोग बिल्कुल उल्टा सिखाते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उस समय यीशु मसीह के अंदर जब पवित्र आत्मा आया आफ्टर बैप्टिज्म, क्या यीशु मसीह जमीन में लोटपोट किया, क्या चिल्लाया करके, ऐसा कुछ किया नहीं किया ना? ऐसा कौन लोग करते थे, सोचिए, दिमाग लगाइए, बाइबल में देखिए, ऐसा कौन लोग करते थे? जब यीशु मसीह आता था तो चिल्ला चिल्ला के कौन चिल्लाते थे, कौन जमीन में लोटपोट करते थे? जी हाँ, बिल्कुल सही, वे लोग जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती थी, वे लोग चिल्लाते थे, हे यीशु तुझे हमसे क्या काम, हे परमेश्वर के पुत्र तुझे हमसे क्या काम, हे परम प्रधान के पुत्र तुझे हमसे क्या काम, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, हमें माफ़ कर दे, वो लोग चिल्लाते थे, जमीन में लोटपोट करते थे यीशु को देख के। तो आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा कभी ऐसे काम नहीं करता है। जब चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आया पेंटिकोस्ट के दिन, क्या चेले जमीन में लोटपोट किए, चिल्लाए फालतू में? नहीं चिल्लाए ना, जमीन में लोटपोट नहीं किए ना, आपको वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मिलेगी कि चेले वहाँ पर अन्य भाषा में बातें किए उन्होंने। देखिए अन्य भाषा नहीं, जो ये लोग बोलते हैं अबाला भाषा बाला ये वाली भाषा नहीं, अन्य भाषा, संसार की भाषा में बातें की। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि चेलों ने अन्य यानी संसार की भाषाओं में बातें की? बिल्कुल साफ है, क्योंकि हमें वहाँ साफ साफ के नीचे वाले वचन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि जो चेले थे, जो जब चेलों ने अन्य भाषा में बातें की तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे, अलग अलग देश के थे, सामरिया के थे, कोई कहाँ के थे, कोई कहाँ के थे, वो लोग सब अपनी मातृभाषा में समझ रहे थे कि अरे ये लोग तो मेरी ही मातृभाषा में बातें कर रहे हैं। तो मातृभाषा में बातें, तो अन्य भाषा और अन्य भाषा, शैतान बहुत चला के ये इस तरीके से लोगों को भरमाता है। तो कभी भी पवित्र आत्मा ये सब काम नहीं कराता, जमीन में लोटपोट करना, चिल्लाना, ये काम कौन करता है? बाइबल में पढ़िए, दुष्ट आत्माएं करती थी, चिल्ला चिल्ला के भागती थी। तो आपको समझना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, ये जो पास्टर्स है एक्चुअली शैतान ने क्रिश्चियनिटी के अंदर ही एक नया बाबाओं का धर्म बना दिया है, शैतान बहुत चला के भाई, आप लोगों को सावधान रहना होगा, बाइबल में पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। ओके, तो आज का सबसे अंतिम वीडियो हम देखने वाले हैं अभी, आप ये देखिए पहले है, ये ओरियो कंपनी से एक आया है, मतलब इनका ना दोगलापन इतना बढ़ चुका है, पता हो तुम बाहर के देश को, तो बिस्किट में ना ये अल्फ़ाबेट तो लिख रहे हैं पर अल्फ़ाबेट में वर्ड्स क्या मिल रहे हैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, आप ज़रा दिखाओ, पहले दिखाओ आप, ये कौन सा अल्फ़ाबेट है देखिए गाइस, हाँ ए, अब इससे आप मतलब ये कोई तरीका है, मतलब आप देखिए, ये देखिए, मतलब ये देखिए आप, हाँ अब ये कोई तरीका है, जी ए एन डी, मतलब हम खा रहे हैं, मतलब बिस्किट नहीं, हम खा रहे हैं अब बिस्किट बंद हो चुके हैं, गजब है, वारियो स्माइल है, ये स्माइल है, देखिए हो सकता है ये वीडियो देख के आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये हंसी की बात तो है, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बिस्किट में कुछ ऐसे गंदे शब्द लिखे हैं तो इसमें क्या सीरियस हो सकता है, तो जी हाँ ये बिल्कुल सीरियस है। देखिए आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से मैं हमेशा माइंड प्रोग्रामिंग की बातें करता रहता हूँ और ये भी बताता रहता हूँ कि किस तरीके से जो शैतान के पुजारी हैं वो मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए, न्यूज़ के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए काम करते रहते हैं। बहुत सारे तरीके हैं शैतान के पुजारियों के काम करने के, उनमें से एक तरीका ये भी है कि बच्चों के सम्मानों में ऐसे ऐसे हिडन यानी छिपा के कुछ शब्द डाल दिया जाए, जैसे कि उदाहरण के रूप में आपने देखा कि ये जो ओरियो बिस्किट्स है इसमें कुछ गंदे शब्द लिखे गए थे, लेकिन इससे क्या बच्चे समझ पाएंगे? देखिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नादान होते हैं, देखिए ऐसा होता है ना
कि ये जो शैतान की पुजारी है ये जानबूझ के ऐसे शब्द, गंदे शब्द लिखते हैं, ऐसे लिख के बिस्किट में हो या खिलौनों में हो इस तरीके से बच्चों को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसे ही कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। आपको पता भी नहीं चलता और आपके माइंड में कुछ बातें घुसा दी जाती है, कुछ आइडिया, कुछ विचार घुसा दिए जाते हैं। देखिए, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, कुछ नादान हैं, अभी उनको इस शब्द का मतलब भी नहीं मालूम कि ये गंदा शब्द है। लेकिन सपोज़ वो अगर, आप लोग तो ध्यान भी नहीं देंगे बड़े लोग कि मेरे बच्चे जो खा रहे हैं क्या है? मतलब ये ओरियो, बस आप सुनते कि ओरियो अच्छा ब्रांड है, अच्छा कंपनी है बोल के आप बच्चे को देते हो, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। लेकिन शैतान के जो पुजारी है वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें ऐसे गंदे गंदे शब्द डाल के दे देते हैं, ताकि जब आपके बच्चे देखें उस वक्त तो उन्हें मालूम नहीं होता लेकिन GAND मतलब क्या होता है, कोई गंदा शब्द होता है बोल के। और लास्ट में आपने देखा ना किस तरीके से, मतलब लास्ट वाले बिस्किट में हंसता हुआ चेहरा था, यानी ये गंदा शब्द बोलना, मतलब गंदा शब्द बोलना एक अच्छी बात है, खुशी की बात है, ऐसा मतलब बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है। तो अभी बच्चे ये GAND मतलब पढ़ेंगे, लेकिन कुछ समय जब वो बीत जाएगा, कुछ समय हो जाएगा, उनके दिमाग में तो ये बात घुस जाएगी। बच्चों को पता भी नहीं होगा लेकिन उनके दिमाग में ये बातें घुस जाएगी कि GAND मतलब ऐसे गंदे शब्द बोलना अच्छी बात है, क्योंकि उस बिस्किट में दिखाया था ना अच्छी बात है, हंसता हुआ चेहरा लास्ट में। तो इसे कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। शैतान के चेले, मतलब शैतान के जो बंदे हैं, चेले हैं, बहुत चालाक हैं, इसी तरीके से छिपा छिपा के कुछ चीज़ें डाल देते हैं बच्चों के चीज़ों में। तो बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ आपके बच्चे क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या देख रहे, क्या नहीं देख रहे, क्या खा रहे, क्या नहीं खा रहे, बहुत सावधान रहिए, हर चीज़ चेक कीजिए। अभी जैसे कि मैं एक उदाहरण अगर मैं दूँ, तो सपोज़ मान लीजिए कि आप बस घर में बैठे हैं, अचानक से आपके दिमाग में एक गाना आ गया, गाना आ रहा है, आप उस गाने को गुनगुनाने लग रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद में आपको लगता है अरे यार ये गाना तो इधर बज रहा है, मतलब इधर बज रहा था ये गाना, अरे मेरे मन में जो आया, तो मेरे मन में जो गाना आया वही गाना बजने लग गया, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत क्या होता है आपको मालूम भी नहीं चलता, गाना बज रहा होता है बहुत धीमी धीमी आवाज़ में दूर कहीं, सपोज़ आपको मालूम ही नहीं चलता कि आपके दिमाग ने वो कैच कर लिया होता है, आपके दिमाग में घुस चुका होता है वो गाना, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है, आपने ये रियलाइज़ नहीं किया होता है कि वो गाना सच में बाहर बज रहा है, वो दिमाग कैच कर लेता है लेकिन आप खुद को नहीं मालूम होता, और आप वही गाना गुनगुनाने लगते हो। तो जब वो गाना, फिर आप जब गौर करते हो कि वो गाना उधर बज रहा है, तो अरे यार आपको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में जो गाना आया वही गाना बाहर बज रहा है। इसी तरीके से बच्चों के दिमाग में ये सब बातें डाल दी जा रही है इस तरीके से, कार्टून के द्वारा, खिलौनों के द्वारा, ऐसे बिस्किट्स के द्वारा ये सब गंदे शब्द डाल दिए जा रहे हैं। अभी बच्चों को मालूम नहीं है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही गाली देने लगेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा, मतलब खुशी महसूस करेंगे गाली देते वक्त, क्योंकि वो जो चेहरा जो बना हुआ था ना लास्ट बिस्किट में स्माइली फेस, उनके दिमाग में रहेगा कि गाली देना मतलब अच्छी बात है, खुशी की बात है, बस मज़ा की बात है और कुछ नहीं। तो बहुत सावधान रहिए आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। खैर मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मुझे भी जाना है अभी दूध लेने, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, ऐसे वीडियो और भी लाने की कोशिश करूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।